आपके खिलाफ यदि किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज करी है और आप उस चीजों से डिस्चार्ज हो गए हैं, उससे आप दोष मुक्त हो गए, आप बाहर निकल गए, तो उस व्यक्ति ने जो आपको मानसिक पीड़ा दी थी, आपको आपके खिलाफ गलत एफआईआर लिखवाई थी, आप उसके ऊपर केस लगा सकते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उसके खिलाफ केस ओपन कर सकते हैं। वो आईपीसी की धारा 211 और 182 182 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, वो 194 भी जोड़ सकते हैं। इसमें जो 182 है, गलत इत्तला देना, मतलब पुलिस थाने में जाकर गलत एफआईआर दर्ज कराना भी एक तरह से 182 के अंतर्गत आता है और उसके खिलाफ आरोप बनेंगे। फिर उसके बाद 211, क्षति पहुंचाने के आशय से गलत आरोप लगाना। उसको मालूम है सामने वाले को कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आपके ऊपर आरोप लगाएंगे तो आप क्या हो गए, आपको नुकसान पहुंचेगा, तो आप 211 आईपीसी की धारा 211 के अंतर्गत तो उसके ऊपर केस लगा सकते हैं। 194 उसमें आप यदि कोई आपके खिलाफ झूठे दस्तावेज या साक्ष्य पेश करता तो उसके अंतर्गत भी आप इस धारा को जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें आप अपनी एफआईआर को कैसे ख़त्म करा सकते हैं, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है मेरे द्वारा। आपको अगर अच्छा मेरा वीडियो लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको किस तरह के नॉलेज, किस तरह के लॉ के संबंधित आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।